तो हम आज के वीडियो में जो हमारा चैप्टर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो हम सीख रहे थे वेरिएबल सेपरेबल का जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट लेवल का वो प्रॉब्लम आपका आएगा वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आएगा। तो ऐसे इक्वेशन को अगर नॉर्मल तरीके से आप वेरिएबल सेपरेबल करना चाहोगे तो ना कभी होगा ही नहीं और सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सीखेंगे और आज के इस वीडियो में हम दो प्रॉब्लम करेंगे और आने वाले वीडियोज़ में हम इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने सिंपल लिया है, उससे थोड़ा सा हटा के टफ लिया है। तो सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख देंगे, क्या है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक, तो देखिए ये चीज़ जब ऐसे क्वेश्चन में जब भी आएगा x प्लस वाई या इसके कोफिशियंट a के प्लस में वन है और b के प्लस में वन है और c के प्लस में जीरो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको ऐसे दिखें तो आपको क्या करना होगा, जो भी दे रखा होगा ब्रैकेट के अंदर उसको c लट कर लेना है। क्या लट कर रहे हैं, सी नहीं, सी कह रहा हूँ, कुछ कोई नया वेरिएबल लट कर लेना है। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू वी और फिर कर लेना आपको इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, y का क्या हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स और v का क्या हो जाएगा dv वी अपॉन डी एक्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy वाई अपॉन डी एक्स की। तो dy वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv वी अपॉन डी एक्स माइनस के वन। अब ये इन वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पर पुटअप करना है, इसे इक्वेशन मान लो वन। सो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो इसको हमने क्या लेट किया है वी और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा डी वी माइनस डी एक्स माइनस वन और इधर क्या है ए स्क्वायर। ठीक है ये चीज़ आएगी, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी था तो यहाँ क्या हो जाएगा वी का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया। अब थोड़ा वी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर इधर क्या जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, ये माइनस का वी स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा प्लस का वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सही हो गया। अब वी वाले टर्म को एक तरफ रखना है और डी एक्स वाले को एक तरफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए वी स्क्वायर डी वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इधर क्या जाएगा डी एक्स। अब नीचे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ वी स्क्वायर है, इसका मतलब है मुझे ए स्क्वायर को ऊपर जोड़ना है और माइनस करना है। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मैं ए स्क्वायर को जोड़ूंगा, यहाँ पे वी स्क्वायर है और ए स्क्वायर को घटाऊंगा भी और इंटू में क्या है डी वी है इसका टू क्या है डी एक्स। अब अलग अलग ले लो आप सबके अपॉन में, तो इसको और इसको अलग लेंगे तो वन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अलग अलग लेंगे और बाहर से ये डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अब क्या कर देना है इसका इंटीग्रेशन, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए वन का तो आ जाएगा आपका सीधा सीधा, इधर आ जाएगा आपका वी और यहाँ से देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मैं चलो पहले ढंग से लिख के दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से आपका है डी वी माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इधर क्या है इंटीग्रेशन डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब डी वी का क्या आ जाएगा वी ए स्क्वायर बाहर है, फॉर्मूले के रूप में आ गया ये, इंटीग्रेशन करना आपको आता ही होगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए इधर क्या लगा दो एक्स, इंटीग्रेशन हो गया तो कॉन्स्टेंट भी जोड़ दो सी। ठीक है ये चीज़ आ गई, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वी माइनस ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए इसको टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। और हमने क्या माना था वी को, हमने माना था वी को वी बराबर माना था एक्स प्लस वाई, तो अब जहाँ जहाँ वी देख रहा है वहाँ एक्स प्लस वाई रख दो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं एक्स और वाई में दे रखा था भैया, तो उसी में ही आपको आंसर छोड़ना है। तो वी के प्लस पे आप क्या रख दो एक्स प्लस वाई, तो ये आपका क्या जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था सिंपल सा जिसे हमने आसानी के साथ कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारा, तो इसमें भी आपको क्या करना है एक्स प्लस वाई को क्या लेट कर लेना है वी, लेट
एक्स प्लस वाई इसकस टू वी, बस आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन करना आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो फिर से वही काम, यहाँ से हमें डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ एक्स का डेरिवेटिव वन डी वाई अपॉन डी एक्स इसकस टू डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस के वन। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर रख देना है, इक्वेशन नंबर वन मान लो और रख दो। सो फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर क्या रखना है, डी वी माइनस डी एक्स अपॉन ये, और इसके जगह पर क्या जाएगा साइन वी, और यहाँ क्या जाएगा कॉस वी, माइनस के वन इधर क्या हो जाएगा प्लस के वन, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा वन प्लस साइन वी, और इधर आ जाएगा कॉस वी। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब देखिए आपको एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी, क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, कर देते हैं। तो डी वी अपॉन वन प्लस साइन वी कॉस वी इज इक्वल्स टू क्या जाएगा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल दिख रहा, इसको आपको कुछ और सिंप्लीफाई करना होगा, तोड़ना जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो, डी वी तो चलो ऊपर वैसे का वैसे ही है, नीचे देखो हम क्या लिख सकते हैं, वन की जगह वन ही रखो, साइन वी को लिख सकते हैं हम टू साइन वी बाई टू कॉस वी बाई टू, है ना, और कॉस वी को लिख सकते हैं हम टू कॉस स्क्वायर वी बाई टू माइनस के वन, और इधर इक्वल टू में क्या है डी एक्स लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल प्लस का वन माइनस का वन क्या हो गया कैंसिल आउट, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ से हमारा टू टू क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, निकाल दो टू कॉमन बाहर, और ऊपर क्या बच रहा है डी वी अपॉन नीचे बच रहे हैं साइन वी बाई टू कॉस वी बाई टू, और इधर क्या बचा है कॉस स्क्वायर वी बाई टू, इधर इक्वल टू में क्या है डी एक्स। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ से है कॉस स्क्वायर वी बाई टू को कॉमन निकाल दो, कॉस स्क्वायर वी बाई टू कॉमन निकालेंगे, यहाँ तो एक ही है तो बट्टा में चला, एक तो बाहर आ जाएगा एक बट्टे में चला गया, यानी कि साइन वी बाई टू था और नीचे में क्या जाएगा कॉस वी बाई टू, और इधर बचेगा वन, और इधर आ जाएगा डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा वन बाई टू ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई टू, और यहाँ आ जाएगा टेन वी बाई टू प्लस वन, इधर क्या जाएगा डी एक्स। अब देखो इसको लेट करने से डेरिवेटिव मिल रहा है, टेन स्क्वायर वी बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर वी बाई टू, और वी बाई टू का वन बाई टू, यहाँ पूरा पूरा मिल रहा है, इसको लेट करने से इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, यानी कि जब इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग, इसको मानने से पूरा मिला है ना, तो लॉग ये आ जाएगा टेन वी बाई टू प्लस वन इसकस टू एक्स, इधर लगा दो सी, वी के प्लस पे जो माना था वो रख दो बस, सिंस वी हमारा क्या था एक्स प्लस वाई था, रख दो यहाँ पर लॉग टेन एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस वन इजकस टू एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ज़रूर आ गया होगा, समझ में भी ज़रूर आया होगा। तो बस क्या करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे x प्लस वाई या फिर जो भी कांस्टेंट जो भी हो उसको आपको डायरेक्ट नया वेरिएबल v मान लेना है, और फिर आपको उसको सॉल्व कर लेना है, फिर अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा।